एक तो आपके मुझे बहाव का ट्रांसलेशन सफ़ीर अवान साहब का, उनका जिक्र करना ज़रूरी है, जिन्होंने आप एक किताब भी लिखी है तारर्स फ्रेजाइल टाइम्स, और आपके बारे में मेरा ख्याल है चंद अच्छी किताबों में शामिल है जी। और दूसरा उन्होंने आपके उस नावल का तर्जमा भी किया है दसारोज और सरस्वती जी। तो इसकी अंग्रेज़ी तर्जमे की रिसेप्शन कैसी रही? एक तो मैं ये कहूँ कि उसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं होता जब तक कि बाहर का पब्लिशर उसे शाया ना करे। सामा को मालूम होगा ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये डॉक्टर सी रवान के बारे में एक बात अर्ज कर दूँ, ये को 15 साल पहले मेरे पास तशरीफ लाए मिलना चाहते, कहने लगे जी मैं आपसे एक माजरत करने आया, और वो ये है कि मैंने PhD किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में और मैं उर्दू लिटरेचर को दरखुर इतना नहीं समझता था। फिर मैंने आपका नावल बहाव पढ़ा तो मैं आपसे माफ़ी मांगने आया। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स डॉक्टर सी रवान जो बहरडा अपने डिपार्टमेंट के, उन्होंने वक्फ किया हुआ है मेरे नावलों के बारे में लिखना। चुनाचे पहले उन्होंने सारोज ऑफ सरस्वती बहाव को किया, आजकल कुछ और कर रहे हैं, उनकी बेगम उसको टर्किश में कर रही है, और ये किताब जो है उन्होंने पिछले 10 बरस में मुख्तलिफ नावल्स के हवाले से अंग्रेज़ी में लिखे जो बैन अल-अक़वामी जरीदों में भी शाया हुए। एंड आई फील कि इस तरह का काम जो है बहुत मुआविन साबित होता है प्रोजेक्शन के लिए।